पूर्ण रूप से अनुशासन वही है जिसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़े। अनुशासन एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति के स्वभाव का, उसके संस्कार का भाग बन जाती है। जब अनुशासन एक कार्य प्रतीत नहीं होता है जिसे पूर्ण किए जाने की आवश्यकता हो, उसी प्रकार जैसे श्वास लेना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी तो मन में उत्पन्न होने वाला लोभ, अहंकार और महत्वाकांक्षा है, जो भी इन तीन भावों के अधीन हुआ है वो असुर। जब तक ये तीनों अवगुण इस संसार में रहेंगे, संसार पे कोई ना कोई संकट बन रहा रहेगा। संसार में एकता नहीं होगी, समानता नहीं, संसार विभाजित रहेगा, अंध होगा। जो शक्तिशाली है वो अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता रहेगा, जो निर्बल है उस पर सदैव अत्याचार होता रहेगा। फिर कोई शक्तियों को अर्जित कर भ्रमित होगा, स्वयं को ईश्वर समझेगा और उसका विनाश करने हेतु ईश्वर पुनः किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं, भगवान तो उनके मन में, उनके हृदय में निवास करते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे हैं। उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है।